हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो स्टॉक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है matrimony.com। ओके, इससे रिलेटेड काफी बार यहाँ पर वीडियो बनाई थी, आपको बताया था। और ये एक ऐसा स्टॉक है, जब इसके रिजल्ट आए थे ना, तब इसके रिजल्ट को अप्रिशिएट किया था और 10% तक का ये 7 से 10% ये शेयर भागता हुआ नजर आया था उसी दिन। ओके, उसके बाद से मार्केट के सेंटिमेंटल बेकार हुए, तो बेकार की वजह से ये शेयर नीचे गिरता गया। ओके, और जिसकी वजह से अब ये शेयर एक सपोर्ट पे आता आके खड़ा हो गया। अगर इस स्टॉक्स को आप आज नहीं खरीदते हो, ओके, और आप सोचेंगे कि मार्केट गिरेगी, तो यहाँ पर आपका एक कसूर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो देखिए, जब ये शेयर भाग रहा था तब तो लोग खरीदने को तैयार थे। यहाँ पर देखिए रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद एक अच्छी खासी इसने जंप लगाई थी, ये 1100 रुपये तक ये जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंटल खराब हुए, और यहाँ पर जैसे मार्केट के सेंटिमेंट खराब हुए तो ये नीचे आता हुआ ये शेयर दिखाई दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग तब तो शेयर खरीद लेते हैं जब यहाँ पर भाग रहा होता है, बट जब शेयर नीचे आ रहा है, ओके, नीचे आके सपोर्ट ले लिया, एक बेहतरीन सपोर्ट पे शेयर आ गया है, तब लोग यहाँ पर खरीदने से डर रहे हैं शेयर को। तो अब अगर आप यहाँ पर शेयर को ले सकते हैं, यहाँ पर शेयर को लेने से डर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं मार्केट में, आप खुद सोचना होगा आपको। क्योंकि चीजें जब नीचे आती है किसी डर की वजह से, और मार्केट में जब अप्रिशिएट किया जाता है किसी रिजल्ट को, और जब नीचे आती है, तो यहाँ पर या तो किसी ने यहाँ ले रखा है बाय ऑन डिप्स करना है, नहीं ले रखा तो यहाँ पर खरीदने का मौका आ रहा है। तो कैसे खरीदने का मौका आ रहा है, चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल कैसे है, सब कुछ बात करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर को और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। एक लाइक बटन जरूर इस वीडियो को दे दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती है। दूसरे वीडियोस को जाके देखिए, बेहतरीन टारगेट नजर आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बेहतरीन पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। और यहाँ पर हम आगे चल के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। और हमसे कॉन्टेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को आप यहाँ पर अपने मोबाइल में, मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लीजिए, इन्वेस्ट फॉरएवर के नाम से हमें एक यहाँ पर पिंग करिए, और आपको हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, और यहाँ पर हम मिलके अच्छा खासा काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो आइए भी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो 1242 रुपये पे ये 25 फरवरी को स्टॉक गया था, उसके बाद से एक गिरावट, और इसी लेवल पे जो इसने लो बनाया था इसी लेवल पे शेयर आके खड़ा हो गया, देखिए मुश्किल से 90 रुपये नीचे। और अगर हम यहाँ पर देखें आज की डेट में 69% की डिलीवरी, ज़्यादा यहाँ पर शेयर की ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, तो क्योंकि लोग यहाँ पर कुछ ऊपर के लेवल पे फंसे हुए, और जिन्हें जो फंसे हुए वो फंसे नहीं हुए, एक्चुअली ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है, ओके, और डिविडेंड इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जितने भी प्रमोटर्स के पास शेयर है 50% के, उसमें से कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। कंपनी के नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जून से लेके यहाँ पर सितंबर में किस तरीके से जंप है। तो और जब भी ये इसके नंबर आए थे, इसके नंबरों को अप्रिशिएट किया गया था, और ये शेयर और तेज भागता हुआ नजर आया था। बट लोगों की गलती होती है, जब चीजें भाग रही होती है तब वो कैच करने की कोशिश करते हैं, जब वो कैच करने की कोशिश होते करते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं, ओके, और जब ट्रैप हो जाते हैं फिर वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। अब आ गया एक मौका खरीदने का दोबारा, ओके, 1000 रुपये था ये शेयर, तब वीडियो बनाई थी, आज लगभग 150 रुपये, 160 रुपये शेयर नीचे है, तो यहाँ पर दोबारा अपॉर्चुनिटी बन रही है 160 रुपये नीचे आने का किसी पर्टिकुलर बेहतरीन शेयर का। मुझे नहीं लगता ऐसे शेयर को नीचे आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिजनेस मॉडल की, तो matrimony.com मतलब shaadi.com के नाम से ये जाना जाता है, shaadi.com। यहाँ पर अगर मतलब शादियाँ कराता है, matrimony का मतलब ये होता है। यहाँ पर देखेंगे तो भारत मैट्रिमोनी, कम्युनिटी मैट्रिमोनी, ओके, इलाइट मैट्रिमोनी, वेडिंग बाजार, इसके अलावा मंडल.com, शादी सागर, एज वेल एज हैप्पी मैरिज, यहाँ marriage.com। तो यहाँ पर अलग अलग इनकी सब्सिडरीज है, अलग अलग नाम से इन्होंने यहाँ पर पूरा वो का बना रखा है। यहाँ पर देखिए भारत मैट्रिमोनी इंडिया का सबसे बड़ा है, एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करें धोनी इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है, यहाँ पर इसकी ऐड करते हुए दिखाई देती है। किसी को पर्टिकुलर रिलीजन में यहाँ पर शादी करनी होती है, जैसे कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम में, कोई हिंदू है तो हिंदू में, ओके, किसी पर्टिकुलर कास्ट में करनी होती है, ओके, तो जैसे को अलग अलग कास्ट होती है तो उसमें वो लड़के लड़कियाँ देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं ब्राइड ब्राइड ग्रूम। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इस तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ओके, कि ये यहाँ पर आप जाके,
इनकी वेबसाइट पे जाके आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लीडर इन मैच मेकिंग एक्सपेंडिंग इनटू 55 बिलियन डॉलर मैरिज सर्विसेज ओवर 300+ एसोसिएट एंड 120+ कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स। यहाँ पर ये सारी की सारी इसने दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं matrimony.com अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज वाइज मतलब अगर बात करें स्टेट वाइज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एज वेल एज यहाँ पर रिलीजन वाइज मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिटी वाइज यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप यहाँ पर जाके यहाँ पर अगर कोई डाइवोर्सी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मैचिंग कर सकते हैं। डिफेंस डिफेंस मैट्रिमोनी मांगलिक से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं में मांगलिक वगैरह भी होता है तो उससे रिलेटेड अगर किसी को सर्च करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैरिज तो ये यहाँ पर ब्राइड ब्राइड ग्रूम किसी ने पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे जाके ढूंढ लिया उसके बाद उन्हें शादी भी करनी है तो शादी करने के लिए यहाँ पर देखिए वेडिंग बाजार मतलब पूरा का पूरा मंडी या मंडप.com इधर जाइए। यहाँ पर पूरा का पूरा वेन्यू वेन्यू की लिस्ट देंगे एज वेल एज किस तरीके से यहाँ पर जो भी इवेंट होता है पूरे इवेंट को यहाँ पर ये सब कुछ करा के देंगे। सिंपल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी पैनिक। सिंपल जाइए यहाँ पर मैच मेकिंग करिए यहाँ पर से इनकी सर्विस लीजिए और शादी करिए और बस दैट्स इट एंड हैप्पी लाइफ एक बार स्पेंड करिए। तो ये पूरा का पूरा इनका ये प्लान है। पूरी एक बेहतरीन अगर बात करें मैरिज सर्विस एक्सपेंडिंग इनटू 55 बिलियन डॉलर की एक पूरा का पूरा है। और बात करें इंडिया में शादी तो यहाँ पर शादियाँ अगर हम बात करें काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफी बड़े लेवल पर की जाती है तो ये चीज भी आपको समझनी होगी। लोग लैक्स और करोड़ रुपीस छोटे गरीब फैमिली भी है तब भी लैक्स रुपीस खर्च हो जाते हैं। अमीर है तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगर बात करें काफी स्मूथ है मोबाइल प्लेटफॉर्म है। सिंपल आप कहीं भी कैसे भी यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। इसके काफी हैंडी है मतलब इसका प्लेटफॉर्म आप मोबाइल पे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये सारे की सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है जो कि मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर समझा दिया। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस की। तो मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है 1919 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। बट बिजनेस की बात करें तो 55 बिलियन डॉलर की यहाँ पर इंडस्ट्री है। इसके अलावा बुक वैल्यू की बात करें 125 यहाँ पर फेस वैल्यू 5 की है। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है 19 और 16% की। डेट की बात करें 24% का डेट है। 1242 रुपए से शेयर यहाँ पर ट्रेड होकर यहाँ पर 838 पे आ गया है तो एक अच्छी खासी ऑलरेडी यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर गया फिर यहाँ पर पैंडमिक की वजह से नीचे आया शेयर फिर ऊपर गया यहाँ पर अब एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े ग्रुप ने आपको बता देना चाहता हूँ बड़े बड़े ग्रुप ने DIS ने यहाँ पर ये शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। इवन दे आर एडिंग मोर तो या इस चीज को भी आपको समझना होगा। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ है। यहाँ पर पैंडमिक था स्टिल यहाँ पर कंपनी की सेल्स हो रही थी और यहाँ पर पैंडमिक एक बार खत्म हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर सेल्स आई है। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें वो हाईएस्ट एवर आई है और यहाँ पर देखिए क्वार्टरली बेसिस पे एज वेल एज ईयरली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट में जंप है यहाँ पर सेल्स में जंप है। इस वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर को अप्रिशिएट किया गया था। जब ये शेयर को अप्रिशिएट किया गया तो ये शेयर ने अच्छी खासी जंप लगाई थी बट लोग वहाँ पर न्यूज आने पर कुछ भी सुन के यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते वो एक गलत वो वे है। तो यहाँ पर सेल्स की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स अच्छे खासी यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दी है। हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दे रही है 439 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रोथ है ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत ग्रोथ है कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 4 टाइम्स यहाँ पर कंपनी की सेल्स 10-11 साल में हुई है। नेट प्रॉफिट जो घाटे में आता था वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे हैं रिजर्व्स अच्छा खासा है। बोरिंग की बात करें 70 करोड़ की बोरिंग है 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें कंपनी का 218 करोड़ रुपए का कैश भी पड़ा हुआ है। कैश फ्लो यहाँ पर देखेंगे 4 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर कैश फ्लो भी है। आरओसी आरओई यहाँ पर थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है बट 2000 जैसे ही पैंडमिक खत्म हो रहा है धीरे धीरे ये दोबारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की देख सकते हैं 50.17% की होल्डिंग है। थोड़ी सी कभी ऊपर ले जाते हैं कभी नीचे ले जाते हैं पॉइंट्स में पर 50% इंटैक्ट है। अगर बात करें यहाँ पर FIIs की होल्डिंग FIIs ने यहाँ पर देख सकते हैं होल्डिंग पहले 26 थी 26 से थोड़ी सी यहाँ पर कम होकर 22 तक आई फिर दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है 22% से कहाँ पर ले गए हैं 25.26% की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा दी है। लगभग 3% की होल्डिंग यहाँ बढ़ती
बढ़ती हुई नजर आई है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है 4% की, और जो कम हुई है वो एफआईज ने खरीद ली है और या फिर थोड़ी बहुत पब्लिक ने खरीद ली है। पब्लिक की बात करें तो 9% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है। बट जब यहाँ से ले जाना होगा ना, यहाँ से खरीदना होगा, तो शेयर को गिराएंगे, गिरा के यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बेचते हुए नजर आएंगे और दोबारा ये पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पर खरीदते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से चीजें चलती है। बट ओवरऑल बात करें, लगभग 91% की होल्डिंग एक अच्छे हाथों में है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, काफी अच्छा ये शेयर यहाँ पर नजर आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर के चार्ट पैटर्न की। 27.78% के RSI पे, 78 के RSI पे चल रहा है, 27 के RSI पे कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अब यहाँ पर कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया है। चीजें ऊपर गई, ऊपर जाके दोबारा यहाँ पर आई, तो यहीं पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो एक बेहतरीन सपोर्ट इस पर्टिकुलर 830-840 पे होता हुआ नजर आ रहा है, एक बेहतरीन सपोर्ट। इसके अलावा 44% का सीधे अगर आप ऑल टाइम हाई तक जाते हैं तो लगभग 49% का होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, इससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इससे पहले यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ओके, एक ही यहाँ कंसोलिडेशन हुई था, इसके बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी थी। तो कंपनी एक जो रेजिस्टेंस की बात है, जहाँ पर बार बार पहले भी रुकी थी, अगेन वहीं पर ही आके यहाँ पर रुकी है और यहाँ से चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक राउंडिंग, इस तरीके राउंडिंग तो नहीं कहूंगा, बट हाँ यहाँ पर यहाँ से एक राउंडिंग बनता हुआ चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो एक बेहतरीन चार्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, एक बेहतरीन रेजिस्टेंस पे यहाँ पर चीजें आती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें, यही लेवल अगर हम यहाँ पर देखते हैं दिसंबर 2020 में था और यहीं पर यही लेवल दिसंबर 2021 में है, तो मतलब चीजें यहाँ पर ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, और फिर जब नीचे आती है तो धीरे धीरे एक्युमुलेट करना होता है, फिर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो यही चीजें ऐसे चलती है और इसी तरीके से पैसा कमाया भी जाता है, तो आपको प्रॉफिट भी साथ साथ बुक करना होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, चीजें हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगी, नीचे भी आएगी, इसे भी माइंड में रखिएगा। एक लंबा कंसोलिडेशन लगभग, अगर बात करें एक साल का ही कंसोलिडेशन लगभग होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें लगातार यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, अगस्त से सीधे चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ से एक अपसाइड नजर आती है, जो कि कितने परसेंट की अपसाइड नजर आती है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 47% की अपसाइड नजर आती है। अगर बात करें कितना शेयर ये गिर चुका है, तो इसकी भी हम देख लेते हैं, तो ये शेयर ऑलरेडी लगभग 32% के आसपास ये शेयर यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। 32% का शेयर का करेक्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर चीजों को लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, अच्छे RSI पे मिल रहा है, 32% शेयर यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, 47% का अपसाइड सीधे नजर आता है, और यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस, एक अच्छा कंसोलिडेशन, और चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आएगी। चार्ट पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, दो चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न आप कह सकते हैं कि एक कप विद यहाँ पर एक इसने कप बनाया, कप बनाने के बाद इसने ये हैंडल बना के यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चीजें जब ऊपर जाएंगी, ओके, रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं, मार्केट ने अप्रिशिएट किया ही है, रिजल्ट से पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। कहाँ तक बाउंस बैक होगा उसकी भी एक बार बात कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टारगेट जो नजर आते हैं वो आते हैं 1610 रुपए के। 1610 रुपए का मतलब है कि अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं कि 1610 रुपए तक, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी 92% लगभग यहाँ पर डबल पैसा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये डबल पैसा दो साल में भी होता है तो 50% की, मतलब यहाँ पर आपको अच्छे खासे 40% की CAGR टैक्स वगैरह काटने के बाद आपको बचती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करके दो साल के लिए रुक जाओ, ओके, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर दो साल का ये टारगेट है, बट फिर भी दो साल से पहले भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में, तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा लंबा टाइम हो सकता है। अब बात करते हैं छोटे छोटे टारगेट की। तो देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर से ये चीजें थोड़ा सा राउंड बना के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, टारगेट 92% तो तब है जब आप कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहे हो, तो 92% का रिटर्न मिल गया। बट शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला टारगेट हमारा ये नजर आता है, ओके, जो कि 30% का नजर आता है, 1087 जो इसने अभी हाई बनाया था,
उसके बाद थोड़ी सी चीजें रिट्रेस होके नीचे ऊपर होती रहेगी, ओके, और फिर ऊपर जाती हुई अच्छे रिजल्ट आ गए तो ये पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। 46% के रिटर्न जो कि 1225 रुपए का है, अगर ये आपको 41 साल के अंदर अंदर भी मिल जाते हैं तो काफी बेहतरीन 40% की सीएजी आ रही। 2 साल की बात यहाँ पर चल रही है तो पहला टारगेट तो यहाँ पर 30% का है, 1087, यहाँ पर मैं पहले अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, ओके, चीजें थोड़ी सी यहाँ पर रिट्रेस होगी, फिर यहाँ पर दोबारा बाइंग करेंगे, फिर यहाँ पर ऊपर जाएगा, फिर हम इस तरीके से ही चीजें चलती है। इस चीज को आपको समझना होगा, वो चीज कैसे आपको माइंड में आएगी, वो ऑब्जर्वेशन से आएगी। जितना मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, जितना शेयर को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर चीजें चलती आपको दिखाई देगी, क्योंकि आप देखेंगे तो चीजें देखिए यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने के बाद इसने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, इसके बाद चीजें नीचे आई तो थोड़ी बहुत नीचे चीजें आने के बाद फिर आपको दोबारा खरीदा थी ऊपर गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, फिर तीसरा टारगेट ये है, चौथा टारगेट ये है। लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके से बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते और थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते, तो सिंपल 2 साल के लिए शेयर को भूल जाइए तो 92% के रिटर्न ले लीजिए। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, बेस्ट शेयर ये नजर आता है मुझे। थोड़ी सी अगर बात करें, रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, रिवॉर्ड रिवॉर्ड यहाँ पर नजर आता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ऑल पे यहाँ पर कर दीजिएगा, एज वेल एज हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।